मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। लला ओ लैला बेहतर बना सैला भैया दिए। काम कर कर के तो कमर टूट जाती है। अरे वाह वाह, काम कर कर के कमर टूट जाती है भैया। अब फुर्सत में है तो अपनी पसंद का सुरमंडल प्रोग्राम देख ले। क्या देख रही हूँ ये मैं? वो बेगम आप टीवी पे सुरमंडल देख रही हैं। मैं टीवी की नहीं, आपकी बात कर रही हूँ। घर का काम हो गया क्या सारा? हाँ बेगम, वो मैंने खाना ही पका लिया, कपड़े भी धो लिए, सफाई भी कर दी, अब फ्री होके बैठा था, टीवी देख रहा हूँ। और गाड़ी साफ कर दी क्या मेरी? देखे बेगम, मैं जितनी भी गाड़ी साफ कर लूँ ना आपकी, वो आपका डू मोर जो है ना वो खत्म नहीं होता। क्या मतलब? गाड़ी लड्डू ने साफ कर दी। लड्डू ने साफ कर दी? नहीं नहीं, मुझे लड्डू की सफाई पे कोई भरोसा नहीं है। एक मर्तबा लड्डू से तिजोरी साफ करवा के देखे बेगम। क्या कहा? चलिए उठिए, फौरन जाइए और जाकर मेरी गाड़ी साफ करें। उठे चले। तो काम सारा कर तो लिया बेगम। गुलाम, क्या कह रही हूँ मैं, फौरन उठ जाए चले और जाके गाड़ी साफ करें, फौरन जाइए। सुकून पे मेरे शब खून मारा जाता है, जब भी तो ये कर लो। नहीं रहूंगा इस घर में, नहीं रहूंगा इस घर में, फैसला कर लिया मैंने, नहीं रहूंगा इस घर में, नहीं रहूंगा, देख लेना, चला जाऊंगा। जाओ, नहीं आऊंगा। ठीक मांग के खा लूंगा कि यहां नहीं रहूंगा। माफ करना लड्डू, माफ करना यार। नाजरीन, पुलिस को एक बहुत ही बड़े डॉन की तलाश है, जिसके लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, और ये भी बताया जाता है कि आखिरी बार इस डॉन को इसी शहर में देखा गया है। तानी बेगम याद करेगी मुझे बहुत, और हनी मुझे याद आएगी बहुत। क्या सोचेंगे ये लोग यार, क्या? अरे सोचते हैं तो सोचते, तो इन्होंने मेरे बारे में कब सोचा? कुछ नहीं सोचा मेरे बारे में। लड्डू लड्डू हनी, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? उनकी तो आदत ही है हर वक्त रूठ रूठ के भागने की। मामा, मम्मी जी, क्या हुआ? मुबारक हो। ससुर जी नहीं मिले। पता है मैंने इधर भी देखा, इधर भी देखा, इधर भी देखा, उधर भी देखा, मगर ससुर जी तो कहीं नहीं मिले। ससुर जी ने इस तरीके से भाग के मेरी तो नाकी कटा दी। लड्डू, अब बकवास बंद करो, तुम घर नाके कैसे लगोगे? ओहो, तुम दोनों को एक दूसरे के नाक कान और आंख की पड़ी हुई है भाई। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि गुलाम आखिर कहाँ चले गए। हो मम्मी जी, आप ससुर जी से इतना प्यार करती हैं? मैं तो इसलिए परेशान हो रही हूँ कि उनकी गैर मौजूदगी में सारे घर का काम तुम्हें अकेले को करना पड़ेगा। अब मामा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप एक कोई दूसरा गुलाम रख लें? हाँ, दूसरा गुलाम, ये ठीक है। लड्डू हनी, क्या बदतमीजी है ये? मामा, मैंने तो बस गुलाम कहा है, मतलब कि कोई दूसरा नौकर? हरगिज नहीं, शोहरों से ज्यादा इस मामले में काबिले भरोसा और कोई भी नहीं होता। लड्डू तुम जाओ, कहीं से भी उनको ढूंढ कर लेकर आओ, और जब तक वो नहीं मिल जाते, घर का सारा काम तुम संभालोगे। लड्डू,
मुझे नहीं पता, तुम जाओ और जाके पापा को ढूंढ लाओ, बस मुझे पापा चाहिए चाहिए और चाहिए। हाँ हाँ जाओ तुम, चलो आओ। ए छोटू जल्दी से छुपने की जगह बताओ, अपन यहाँ गाड़ी में बैठा, जल्दी बताओ छोटू जल्दी बताओ, ये किसी को भी डॉन बना देंगे और अपन देखते रह जाएंगे। ओह इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ ढूंढूं सुसर जी, कहाँ हो तुम सुसर जी? क्या जरूरत पड़ी थी इनको इस बुढ़ापे में ये छिछोरपन करने की? गुल खिलाने थे तो जवानी में खिला लेते। इस वक्त मालामाल सोसाइटी में एक घर के बाहर गाड़ी बंद करके छुपा हुआ बैठा हूँ, जल्दी बताओ अपन इंतजार करता है, जल्दी हरी अप। ये कौन है जो हमारे घर के सामने गाड़ी में छुप के बैठा हुआ है? खोलो खोलो खोलो। ओ सुसर जी आप यहाँ छुप के गाड़ी में क्या कर रहे हैं? आए आए। कौन हो तुम? हाँ बाहर निकलो, बता दो मैं कौन हूँ, आओ। अरे अरे बाहर आए। छोड़ो आप उनको, छोड़ो तुम। अरे सुसर जी क्या हुलिया बनाया भाई ये? अरे आप उनको छोड़ो तुम, कौन हो तुम? मैं लड्डू सुसर जी, आपका लड्डू, आपका घर दामाद है, भूल गए? और किसकी गाड़ी में छुप के बैठे हैं आप? हैं आप उनको लगता है ये कुछ और समझ रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सुसर जी तबियत तबियत तो ठीक है आपकी? अंदर चलें, मम्मी जी और हनी बहुत परेशान हो रही हैं और आपका इंतजार कर रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपने ये क्या हुलिया बनाया, क्या क्या पहना हुआ है, ये बड़ा स्टाइलिश लग रहे हैं आप। क्या ये, क्या ये क्या है? अपन तेरे साथ चलते हैं अंदर, अपन तेरे साथ चलते हैं। चलो 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 चलो, बहुत काम करने। आए तो सही, अंदर आए। अरे डर क्यों रहे हैं, अंदर आए। कौन डर रहा है? ये तो भागने से पहले सोचना चाहिए था ना कि मम्मी जी कैसे कोट चढ़ाएंगी। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? और कहाँ थे आप? पापा ये क्या हो गया आपको? ऐसा लगता है जैसे लुंडे के सारे कपड़े खरीद के आप ही ने पहन लिए। ये अपुन का माल है, लुंडा का माल नहीं है। अगर ये लुंडे का माल नहीं है तो किसी अंग्रेज की लाश पे चोरी करके उन्होंने सब पहन लिया। बस बंद करो, तुम लोग अपुन को नहीं जानता। पापा सिर्फ हम तीनों तो हैं जो आपको जानते हैं, वरना हमारे अलावा आपको और कोई नहीं जानता। तो और क्या? मुझे तो लगता है सुसर जी के सर पे ना कोई चोट लगी है, इनकी याददाश्त चली गई तभी ये ऐड पहना हुआ है। अरे अभी आ जाएगी इनकी याददाश्त वापस, जब किचन की गर्मी में खड़े होकर काम करना पड़ेगा ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे। चलिए फौरन चलिए किचन की तरफ और जाकर काम शुरू कीजिए, पूरा किचन साफ करना है। चलिए लुंडा के अंग्रेज। इंटरेस्टिंग, लुंडा के अंग्रेज, वेरी इंटरेस्टिंग। एक मिनट। आपसे तो सही से चला भी नहीं जा रहा है इन कपड़ों में, ये कोट वोडियो सब गर्मी में पहनते हैं, उतारे फेंके इन सब चीजों को और बिरयानी बनाने में लग जाएं। बिरयानी? हाँ बिरयानी। अब आप पूछेंगे ये किस शहर का नाम है, ये किस गांव में होती है? बस करें सुसर जी, मेरे सबर का इम्तिहान ना ले, जल्दी से बिरयानी का मसाला बनाना शुरू करें। आप उनको ये सारे काम नहीं आते हैं। खुदा का वास्ता है सुसर जी, बस भी करें अपनी एक्टिंग, थक गया हूं मैं अकेले काम कर करके। ये बाजार से बिरयानी ले आओ, जो पैसे बच जाए जेब में रख लो और
बंद रखने का। ओ, लेकिन अगर मम्मी उसे को पता चल गया कि बिरयानी बाजार से आई है तो वो पतीला बाहर लेके जाने का है, बाजार से इसमें बिरयानी भरवाने का है, लेके वापस आने का है या रखने का है, ऐसा लगेगा जैसे घर में बिरयानी बना रहे लाया। हाँ ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। अरे आप यहाँ बिल्कुल महफूज है, फिक्र नहीं करने का बिल्कुल। ठीक है ठीक है। सुसर जी, सुसर जी, मेरे प्यारे सुसर जी, वहां मम्मी हुजूर आपको आवाजें लगा रही हैं, यहाँ आपके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। अपन उसका गुलाम नहीं है, वो अपन को गुलाम गुलाम कह के बुला ले रही है। गुलाम नहीं है तो क्या हुआ, शोर तो है, ऊपर से गर्दमाद, बात तो एक ही है, आए चलें। ज्यादा बात करने का गुलाम, मैंने आपको कितनी दफा समझाया है कि बाजार की चीजें खाने से सेहत खराब हो जाती है, आपने फिर बाजार के मसाले इस्तेमाल कर लिए, क्या हो गया, जबान घर से बाहर ही छोड़ आए हैं क्या? ए बीबी, 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 अब पापा क्या हो गया आपको, तो मामा को बेगम जी बोलते थे। अपन वही वही बोलना चाह रहा था, अपन से गलत ही हो गया, बेगम आपको आइंदा ख्याल रखें। अच्छा अच्छा चलें काम पे लग जाएं। और मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि अपना हुलिया दुरुस्त करने का है, ओह मेरा मतलब है कि अपना हुलिया दुरुस्त कर लें, लुंडे के अंग्रेज बने में। हेलो, ओ छोटू, अरे अपन के रहने का बंदोबस्त कहीं और कर रहे, अरे इन्होंने सालों ने अपन को गुलाम बना के रखा है, किसी पुलिस वाले का घर लगता है ये, अरे अपन यही है, कहीं और रहने का बंदोबस्त कर अपन का बस। ले भाई सुसर जी, ये लें, मैंने अपने हिस्से के कपड़े धो लिए, अब आप अपने हिस्से के कपड़े धो लें। ए बकवास बंद करा, तुम समझते हो अपन ये कपड़े धोएगा रे? हाँ नहीं तो कौन धोएगा, आप ये कपड़े पहनकर खुद को पता नहीं क्या समझ रहे, अगर मम्मी जी को आपकी हरकतें पता चल गई ना तो आप ये कपड़े धोएं या ना धोएं, मम्मी जी किसी अच्छे साबुन से आपको रगड़ रगड़ के धो देंगी। एक काम करो, किसी लॉन्ड्री से ये कपड़े धुलवा लो, अब ये तुम पर है, तुम खुद धो या लॉन्ड्री से धुलवाओ, ये तुम्हारा अपना काम है। बस बोल दिया ना तेरे को, आप उनको बात काम है घर में, बस बस होके बस डॉन। अबे इधर उधर क्या देख रहा है, इधर देख, इधर मेरे गुलाम को फंसाने चला था, वैसे तो मैं सिवाय गुलाम के किसी को नजर नहीं आता, ना कोई सुन सकता है मुझे, लेकिन मजबूरन मुझे तेरे सामने जाहिर होना पड़ा। कौन डॉन? मैं नहीं नहीं, मैं अपन तो अपन है, मैं तो खादिम खादिम हूँ, नहीं मैं लड्डू हूँ, लड्डू लड्डू, अपन गुलाम है, गुलाम। बकवास करता है धोखेबाज,
शराफत से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, वरना वरना क्या हो? कौन हो तुम? मैं कौन? किसी से पूछ लेना। सुसर जी, मेरे प्यारे सुसर जी, आपका लड्डू हाजिर है, कोई काम हो तो बताइए। एक बात मालूम करना चाहता हूँ। मैं तुमको एक नोट दूंगा, आपुन ये मालूम करना चाहता है कि तुम आपुन के घर के बारे में कितना जानता है। और उसके लिए आप मुझे सिर्फ एक नोट देंगे? दो ले लेना, चलो। ये बताओ कि ये तस्वीर किसकी है? सुसर जी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आप नहीं जानते ये कौन है? देखा, आपुन को पता था। अरे आपुन तो तुमसे सवाल पूछ रहा था, का मतलब है कि तुमको इनाम नहीं चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, इनाम चाहिए ना मुझे। मैं आपको बताता हूँ, ये आपके मरहूम सुसर जी की तस्वीर है। मरहूम? हाँ, इनको तो मरे हुए भी 20 साल हो गए। लाओ मेरे इनाम की 3 नोट। बात दो की हुई है, 3 3 3 क्यों? भाई मैंने आपको इजाफी मालूमात भी तो दी ना कि उनका इंतकाल 20 साल पहले ही हो गया था। लाए मेरे 3 नोट। ये तो दो है, तीसरा? अब तो लगते ही नहीं कि आप मेरे ससुर हैं। अबे ओ डॉन, अपने आप को शराफत से पुलिस के हवाले कर दे, वरना मैं भूत बन के तेरे अंदर घुस जाऊंगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो जी सर, सीधा शराफत से थाने चल। अरे भाई थाने के बगैर आप गलत समझ रहे हैं। ओए ओए, बात सुनो, 11 मुल्कों की पुलिस को तो चकमा दे सकता है, और अगर नहीं दे सकता ना तो हमें तो चकमा नहीं दे सकता, समझ आई? भाई 11 मुल्क, आप क्या बात कर रहे हैं सर? 11 मुल्क किसने देखे? मैं तो कराची से बाहर नहीं निकला, मैं तो घर दवा दूँ जनाब। साहब इसको लेकर चले, ये ऐसे नहीं मानेगा। सर आप यकीन करें, आज कर रहे चल रहे बात तो भैया, आप मेरी बात किधर आ सारे घर वाले? क्या हुआ, क्या बात है? चले जी अब सब लोग थाने। क्यों भी, क्यों भी, हमने क्या किया? हाँ और तुम्हें पता है हमने बहुत बड़ा डॉन पकड़ा है, समझे ना, जिसे 11 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही थी। 11 मुल्क? अब कौन कौन से मुल्क? साहब आपके यहाँ सवालों के जवाब देने आए हैं। नहीं मैं तो भूल ही गया था। और चलो तुम सब हमारे साथ थाने। हमने जिस डॉन को पकड़ा है ना, उसने बताया कि उसका यही घर है और तुम सब उसके घर वाले हो। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे पहली बात तो ये ना कि उस डॉन का बयान हमारे पास मौजूद है, और वो मतलूबा गाड़ी भी ना बाहर से बरामद हो गई है। वो गाड़ी तो सुसर जी की है। मेरा मतलब है कि अभी तो बहुत सारे रिश्ते निकलेंगे ना, तेरे को तो लग पता जाएगा। चलो आए सब सारे मेरे साथ। गुलाम कहाँ है? अरे खबरदार, अगर गुलामों उलामों को यहाँ बुलाया तो, समझे ना। मम्मी जी मैं लेकर आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब हमारा एक साथी अभी अंदर है, मैं उसको लेकर आता हूँ। सिर्फ 1 मिनट में लेकर आ रहा हूँ उसे। आए आजे, आए ना सुसर जी, क्या हुआ? आजे आए आए, देखे आए आजे आए। इंस्पेक्टर साहब ये है ना। और ये कहाँ से आया है? ये अभी आपके सामने अंदर से तो आए, और कहाँ से है? फिर वो कौन है जिसे हमने पकड़ा है? अचानक जल्दी से लेकर आओ उसको। ओए
अपन असली डॉन है, ये तो बेचारा अपन का हम शक्ल है। मैंने इसकी शक्ल का फायदा उठा के यहाँ पना ली। आप अपने को गिरफ्तार करो। ये बताना लूटी हुई रकम कहाँ है? वो गाड़ी में है, अपन अभी आपको देता, लेकिन उसमें से बहुत सारी रकम लड्डू के बाद। क्या ये लड्डू ने भी ये काम किया हुआ है? बेटा तुझे तो लग पता जाएगा ना जब थाने चल के तेरी चित्राल होनी है। क्या छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरिया। घर का मां के घर का मां।